असीब हसन डायरेक्टर की इस पोस्ट के बाद तकरीबन कंफर्म हो गया कि हमें जो जूम ड्रामा है उसको जन्नत से आगे ही रिप्लेस करता नजर आएगा। किस टाइम स्लॉट पर जन्नत से आगे आएगा और किस दिन देखने को मिलेगा वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहले भी आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें ताकि आपको मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो जियो टीवी पर एक मच अवेटेड ड्रामा आने जा रहा है जिसका नाम है जन्नत से आगे। इसकी स्टारकास्ट में हमें रमशा खान, सबूर अली, मिर्जा गौहर रशीद, कुबरा खान, तलहा चहूर, हिना ख्वाजा ब्यात और हमजा तारिक देखने को मिलेंगे। इस ड्रामे को उमेरा अहमद साहिबा ने लिखा है और इसे हसीब हसन ने डायरेक्ट किया है और ये सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन तले बने हैं। इससे पहले उमेरा अहमद, हसीब हसन और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट ये तीनों हमें अलिफ जैसा एक मास्टरपीस ड्रामा दे चुके हैं, तो इसलिए भी मैं इस ड्रामे के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बात करें इस ड्रामे की रिलीज डेट की, तो इसके टीजर हमें अगले 4 या 5 दिन के या मैक्सिमम 6 दिन के अंदर अंदर देखने को मिलने वाले हैं और ये ड्रामा जुमे और हफ्ते के टाइम स्लॉट पर जूम को रिप्लेस करता नजर आएगा। अभी आपको पता है कि तेरे बिन का जो टाइम स्लॉट था वहां पर हमें मुझे कबूल नहीं है, ये ड्रामा 2 दिन देखने को मिलेगा, जबकि दूसरी तरफ अगर जियो टीवी बेगैरती नहीं करता तो जुमे के दिन हमें जन्नत से आगे दे दे और हफ्ते पे हमें मतलब मन्नत मुराद ये ड्रामा देखने को मिल जाए, लेकिन शायद वो दोनों टाइम स्लॉट जो है दोनों दिन जन्नत से आगे को देंगे। तो अगले जुमे को 14 जुलाई को जूम की लास्ट एपिसोड देखने को मिलेगी और 21 तारीख से हमें मतलब उससे नेक्स्ट फ्राइडे से जन्नत से आगे उसको रिप्लेस करता नजर आएगा। अभी इसके टीजर आज भी आ सकते हैं या जुमे से पहले पहले, अगर तो मतलब जैसे असीब हसन ने कहा है कि जन्नत से आगे अभी आने वाला है, आपके बहुत करीब है, तो फिर तो ये जूम को ही रिप्लेस करने वाला है क्योंकि तेरे बिन को ऑलरेडी मुझे कबूल नहीं है, ये रिप्लेस कर चुका है। आप इस ड्रामे के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है या आप इस ड्रामे का वेट किसके लिए कर रहे हैं? रमशा के लिए, सबूर के लिए, मिर्जा गौहर रशीद के लिए, कुबरा खान के लिए, तलहा चौर के लिए, क्या उमेरा अहमद ने इसे लिखा है और हसीब हसन ने इसे डायरेक्ट किया है, आप इसलिए इसका वेट कर रहे हैं? आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।